फाइनली जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था कि क्वालकॉम भी अपने खुद का फोन बनाए, खुद का एक काफी ज्यादा तगड़ा फ्लैगशिप फोन बनाए, वो टाइम दोस्तों आ चुका है। क्वालकॉम अपना एक काफी ज्यादा तगड़ा फोन बनाने जा रहा है एसुस के साथ में पार्टनरशिप करके। बेसिकली जो ये स्मार्टफोन होगा वो क्वालकॉम डिजाइन करेगा और एसुस मैन्युफैक्चर करेगा। एसुस और क्वालकॉम दोनों मिलकर एक स्मार्टफोन तैयार कर रहे हैं जो मुझे लगता है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल फोन होगा, सबसे ज्यादा एक मतलब परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन होगा, बिल्कुल एकदम फ्लैगशिप तगड़ा वाला एक्सपीरियंस देगा हमें ये स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन दोनों मिलके बना रहे हैं एसुस और क्वालकॉम, जिसमें क्वालकॉम अपना सारा दिमाग लगाएगा, सारा अपना जो टेक्नोलॉजी होती है वो सारी इसी फोन में डाल देगा और एसुस इसी फोन को मैन्युफैक्चर करेगा, हेल्प करेगा क्वालकॉम की इसी फोन को मैन्युफैक्चर करने में, जो दोनों मिलकर काफी ज्यादा तगड़ा एक फ्लैगशिप फोन बना रहे हैं जिसमें आपको जो बिल्कुल एकदम फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, बिल्कुल एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। गेमिंग के लिए हाई एंड फोन होगा जो एसुस का अभी रिसेंटली एसुस आरओजी फोन 5 भी लॉन्च हुआ था, मुझे लगता है उससे भी काफी ज्यादा ये तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है, उससे भी उसको भी बिल्कुल एक टक्कर देगा, क्योंकि जो इसमें आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, क्वालकॉम अपनी टेक्नोलॉजी यूज करेगा, हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करेगा, वो अब तक की सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी और सबसे ज्यादा पावरफुल फोन होगा ये। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इसी क्वालकॉम के स्मार्टफोन के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को अभी के अभी दोस्तों जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जाके ऑल पे कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे जैसे हम दोस्तों एक नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है लविश कंसल, आप देख रहे हो टेक्निकल लविश, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना और टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की इसी वीडियो को, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वालकॉम के इसी स्मार्टफोन के बारे में जो क्वालकॉम डिजाइन करने जा रहा है। बेसिकली जो ये स्मार्टफोन है उसका क्वालकॉम ने जो नाम रखा है वो ये है कि स्मार्टफोन फॉर क्वालकॉम इनसाइडर्स। बेसिकली जो ये स्मार्टफोन होगा वो क्वालकॉम के जो इनसाइड लोग हैं, जो क्वालकॉम के डाइट फैंस हैं, जो क्वालकॉम कंपनी में काम करते हैं, बेसिकली उनके लिए होगा। इसके जो यूनिट्स हैं बहुत ज्यादा हमें कम देखने को मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। हाँ, वो इंडिया में भी ये फोन लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्द इंडिया में भी ये फोन लॉन्च हो जाएगा जो बिल्कुल एकदम हमें फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने वाला है। और इसी फोन के बारे में हम अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फोन के अगर परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं हम, क्वालकॉम एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक कंपनी है तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ही देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें मुझे लगा कि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस देखने को मिल सकता है, बट नहीं, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो Asus ROG फोन का नेक्स्ट फोन होगा Asus ROG फोन 6, उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 888 प्लस देखने को मिल जाए, बट इसमें तो आपको Qualcomm Snapdragon 888 ही देखने को मिलेगा। जो हाँ, ये जरूर है कि जो इसमें Qualcomm अपना 888 प्रोसेसर यूज करेगा उसमें वो स्पेशल कूलिंग मैकेनिज्म को यूज करेगा जो आपके फोन को बिल्कुल एकदम कूल रखेगा, गेमिंग वगैरह के लिए काफी ज्यादा काम आएगी ये चीज, और इसमें आपको स्पेशल इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगी इसी चिपसेट में। Qualcomm बेसिकली अपने ही चिपसेट में Qualcomm Snapdragon 888 में काफी ज्यादा स्पेशल इंप्रूवमेंट्स करेगा इसी फोन में, इसी स्मार्टफोन में, जो आपको बिल्कुल एकदम फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर इसी फोन की और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बात कर लेते हैं इसी फोन की डिजाइन की, तो ये फोन दोस्तों जो डिजाइन है इसी फोन का वो आपको लगभग Asus ROG फोन 5 के जैसे ही देखने को मिलेगा। पीछे से जो कैमरा मॉड्यूल है, जो पीछे से डिजाइन है, वो आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा Asus ROG फोन 5 से। पीछे हाँ, आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी, साइड पे आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलेगा, इसी के साथ आपको इनवैलिड स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिलेगा, लेटेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जो काफी तगड़ा एक्सपीरियंस देगा आपको इसी स्मार्टफोन में। इसी के साथ आपको इसमें जो इसी का स्टॉक एंड्रॉइड होगा उसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, कोई स्किन नहीं देखने को मिलेगी। और अगर बात कर लें इसी फोन की डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.78 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और जो इसमें आपको सैमसंग का पैनल यूज होगा इसी की डिस्प्ले में। इसी के साथ इसमें आपको 144 हर्ट्ज का टच रिस्पांस देखने को मिलेगा, 800 निट्स की ब्राइटनेस होगी जो एकदम सस्टेन रहेगी, और 1200 निट्स की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस होगी। इसमें आपको 1 मिलीसेकंड से भी कम की लेटेंसी देखने को मिलेगी जो काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। इसी के साथ इसके अंदर आपको इसी की डिस्प्ले के अंदर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन
भी देखने को मिलेगी, वो भी एक काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। अगर बात करें इसी फोन के कैमरा की, पीछे की साइड आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा IMX686 सेंसर के साथ में, जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी देखने को मिलेगी, बेसिकली OIS होती है जो, वो भी आपको देखने को मिलेगी। किसी के साथ जो दूसरा कैमरा होगा वो आपको 12 मेगापिक्सल का IMX363 सेंसर के साथ में देखने को मिलेगा, जो बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा। और इसी के साथ जो थर्ड कैमरा होगा वो आपको 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में एक टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलेगा, वो भी OIS के साथ में होगा, जो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है इसी के कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें इसी के सेल्फी कैमरा की, जो इसके अंदर आपको कोई भी नोट्स नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी पंचोल नहीं देखने को मिलेगा, फुल डिस्प्ले होगी, ऊपर आपको थोड़ी सी बेजल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको इसी का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, वो तो हमें आने के बाद ही पता लगेगा कि इसी की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो अगर बात कर लें इसी फोन की और स्पेसिफिकेशंस की, और हाँ यहाँ पे ये एक बड़ी बात हो जाती है कि इसमें आपको 16GB की LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी, जो लिटरली काफी ज्यादा बड़ी रैम हो जाती है। इसी के साथ इसमें आपको UFS 3.1 512GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा हो जाती है, मतलब इसमें आपको 1TB रैम देखने को मिलेगा। 16GB रैम के साथ में आपको 512GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब बाकी 8GB रैम 128GB स्टोरेज या 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर इतने हाई वेरिएंट के साथ में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो इसका प्राइस भी काफी ज्यादा हाई एंड होगा, काफी ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि इंडिया में इसका प्राइस जो है वो 1 लाख से ऊपर जाएगा, ये तो पक्की बात हो जाती है इसी के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। और इसी के साथ इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। हाँ मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये पॉइंट हमें पता चला कि जो इसमें आपको 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, बट इंडिया में आपको इसका आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ 35W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, मतलब बाहर आपको शायद 65W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल सकता है, बट इंडिया में शायद ये आपको 35W का फास्ट चार्जर ही प्रोवाइड करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। बाकी 65W तो फोन सपोर्ट करता ही है। 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, मुझे लगता है कि 4000mAh बैटरी थोड़ी सी कम हो जाएगी इसी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, बाकी वो तो हमें आने के बाद पता लग ही जाएगा। ड्यूल सिम होगा ये स्मार्टफोन, और इसी के साथ इसमें आपको क्वालकॉम का ही इनवैलिड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो आपको पीछे की साइड देखने को मिलेगा। जो पीछे की साइड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है बेसिकली वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, प्रॉपरली वर्क करता है, इसीलिए क्वालकॉम ने शायद इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें नहीं प्रोवाइड किया, ताकि हमें अच्छे से एक ऐसा स्कैनर मिल सके जो प्रॉपरली काम करे, बिल्कुल ही काफी ज्यादा फास्ट काम करे। इसी के साथ अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ये स्मार्टफोन 8K @30fps पे रिकॉर्ड कर सकता है, जो लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग बात हो जाती है, क्योंकि जो आजकल के फ्लैगशिप फोन आ रहे हैं उसमें आपको 8K @24fps तक की देखने को मिल रहा है, बट इसमें क्वालकॉम ने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में 8K @30fps पे हमें ऑप्शन दी है रिकॉर्ड करने के, जो काफी ज्यादा अमेजिंग बात हो जाती है। तो ये तो ही कुछ ही इसी फोन की स्पेसिफिकेशंस। हाँ इसमें आपको GPS में नेवी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, बाकी और कुछ छोटी छोटी स्पेसिफिकेशंस होंगी जो आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ ऐसे भी कुछ पता चला कि इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको एक क्वालकॉम के खुद के ही बनाए हुए TWS देखने को मिलेंगे, जो लिटरली काफी ज्यादा अच्छी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आएंगे, काफी ज्यादा अच्छी मैकेनिज्म के साथ में आएंगे, काफी ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे। क्वालकॉम तो यही बता रहे कि उसमें आपको काफी ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, प्रीमियम साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, और काफी ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे, वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। वो मतलब मुझे लगता है कि US करेंसी के अकॉर्डिंगली इंडिया में अकेले ही वो 20,000 से 25,000 की प्राइस रेंज में होंगे, जो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ये तो पक्का हो जाता है कि अगर बॉक्स के अंदर हमें 20,000 से 25,000 के TWS देखने को मिल रहे हैं तो फोन तो लगभग 1 लाख से ऊपर जाएगा ही, तो ये तो यहाँ पे पक्की बात हो जाती है। बाकी हाँ ये कन्फर्म है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में जरूर लॉन्च होगा क्वालकॉम के द्वारा, और क्वालकॉम अपने ये स्मार्टफोन को इंडिया में जरूर लॉन्च करेगा। इंतजार ये कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होता है और किस प्राइस रेंज पे लॉन्च होता है। बाकी आने तो इसी स्मार्टफोन को, देखते हैं कि इसी स्मार्टफोन में और क्या देखने को मिलता है इंडिया में, कैसा वर्क करता है इंडिया में, और जो इसी के अंदर 5G होगा वो भी आपको काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा, मतलब इसके अंदर आपको प्रॉपर बैंड देखने को मिलेंगे। और एक बात बताऊं आपको कि जो iPhone 12 सीरीज है ना, उसमें आपको अब तक के सबसे
सबसे ज्यादा वो मतलब अच्छी सीरीज थी या मैं कह सकता हूँ कि अच्छे स्मार्टफोन थे जिसमें आपको सबसे ज्यादा 5G बैंड देखने को मिलते थे, उसमें आपको 18 5G बैंड देखने को मिलते थे। जो आज तक कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं था जिसमें आपको इतने बैंड देखने को मिल रहे थे, बट जो ये स्मार्टफोन आने वाला है इसमें क्वालकॉम अपना 29 बैंड्स को इंक्लूड करने वाला है। मतलब बिल्कुल एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देगा, मतलब आपको सारे 5G के बैंड देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 4 mm वेव वाले भी बैंड देखने को मिलेंगे, सबसे गीगाहर्ट्ज़ के भी बैंड देखने को मिलेंगे, प्रॉपरली सारे बैंड देखने को मिलेंगे। तो अगर ये फोन इंडिया में आता है इसमें आप प्रॉपर 5G का एक्सपीरियंस ले सकते हो 5G आने के बाद में। तो ये फोन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाकी आप बताइए अपना ओपिनियन इसी स्मार्टफोन को लेके कि आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगा, क्वालकॉम का ये नया स्मार्टफोन आपको कैसे लगा, इसी के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली और इसी के प्राइस के अकॉर्डिंगली वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।